फरानाज नामक एक महिला ने अपने मामा के बेटे जावेद बारी पर आरोप लगाया है कि उसने बिकी हुई जमीन का पावर एग्रीमेंट बनाकर उन्हें 6,30,000 रुपए का चूना लगाया। फरानाज ने बताया कि उनके भाई जावेद बारी नियामतपुर अंतर्गत रहमानपारा में रहते हैं। जावेद आसनसोल नगर निगम के कुल्टी बोरो कार्यालय का ग्रुप डी कर्मचारी है। फरानाज ने आरोप लगाया कि उनके भाई की सिलीगुड़ी में कुछ जमीन है। उन जमीनों की देखरेख के लिए जावेद ने फरा से यह कहकर अनुरोध किया कि उनका एक्सीडेंट हो गया है, कमर में समस्या है और उसको निगम की नौकरी से छुट्टी भी नहीं मिलती। फरह ने कहा कि जावेद ने उनसे ऐसा कहकर 6 लाख रुपए देने को कहा और कहा कि वह फरह के नाम पर जमीन का पावर एग्रीमेंट कर देंगे, जिससे वह जमीन को बेचने में मदद भी कर सकती है, इससे दोनों का फायदा होगा। मैं यही कहना चाहती हूँ, मैंने कोई फर्जी नहीं किया उसके साथ, बल्कि वो मेरे साथ फर्जी किया है। ठीक है, उन लोगों का काम ही है सिर्फ पावर देना, पावर कैंसिल करना और पावर देके पैसा इनकम करना। दिस इज द सोर्स ऑफ इनकम, उन लोगों का सोर्स ऑफ इनकम इसी से चलता है और इसी से पैसा कमा कमा के वो लोग बड़ा बिल्डिंग ठोक लिए हैं। और दूसरा बात है कि ये 2019 से किसी और के साथ सिलीगुड़ी में है, वो भी आप लोग के सामने कुछ ही दिन में आ जाएंगे। उनसे रेगुलर हर एक साल में रिन्यू कर करके पैसा लिए हैं और उनसे इस ज़मीन का एग्रीमेंट किए हैं, पहला बात। और दूसरी बात ये कि वीरेंद्र सिंह पाल सबरवाल पंजाबी पारा के निवासी सिबक रोड सिलीगुड़ी में रहने वाले हैं, उनसे ये क्या किए 11 मार्च को पावर दिए कैलकटा ADSR में, देने के बाद वो जमीन अप्रैल महीना में ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुका है। ये इंसान 5 बीघा जमीन जावेद बारी का 38 decimal शेयर होता है जो ऑलरेडी बेच चुका है, सोल्ड प्रॉपर्टी है, फिर भी वो मुझे ना जानाए बिना मुझे सितंबर महीना में पावर दिया और बोला मेरा पैर में इन्फेक्शन है, मेरा कमर में स्पॉन्डिलाइसिस है, हम मेरा यहाँ नौकरी से छुट्टी नहीं मिलेगा, तुम वहाँ देख रेख करो, तुम तो मेरी बहन हो छोटी। और इस बेसिस पे वो उसकी वाइफ उसका बच्चा का फीस इलेक्ट्रिक बिल से लेके एवरीथिंग द सिंगल पेनी आई गिव देम। वो लोग मेरे घर में आते हैं, उसका CCTV कैमरा फुटेज है क्योंकि मेरे घर में कैमरा लगा हुआ है और ये सब मैं कोर्ट में पेश करूंगी ट्रायल में। और दूसरी बात, उन लोग का वॉइस रिकॉर्डिंग एवरीथिंग इज़ विथ मी। और वो लोग जलपाईगुड़ी जाके मुझे ADSR में पावर दिए और मुझे बोले कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मैं चल नहीं सक रहा हूँ, मेरा पैर में इन्फेक्शन है, तुम्हें तो पता है। तो इसलिए पता नहीं वो किसी से डर रहे थे कि क्या, ये तो मुझे पता नहीं, अब हमको ऐसा लग रहा कि ज़रूर कुछ बात होगा। वो घर में मैडम आके उनसे मतलब रजिस्ट्री करके गई है और अभी वो बोल रहे हैं, जब मैंने सुना कि वो ज़मीन बेच चुके हैं तो आप मेरा पैसा वापस कीजिए, तो वो बोल रहे हैं कौन सा पावर, मैंने कोई पावर ही नहीं दिया है। और पावर ना देने का खेल कर ले और मुझसे कैश में 6 लाख रुपया लेके गए, उसका रिसीव है मेरे पास। और इस पावर से ये मेरे लिए कोई यूज़ ही नहीं है, ये तो डस्टबिन में फेंकने लायक है, क्योंकि आप तो ज़मीन ऑलरेडी सोल्ड कर चुके हैं, एक बिक्री किया हुआ ज़मीन को आप फिर से किसी और को पावर कैसे दे सकते हैं। तो फर्जी मैं हूँ या वो है, ये तो आप लोग बताएंगे। असलम को भी पावर दिया आपको, आपके 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 साथ जो जिन्होंने मैंने जो दिया है पावर दिया है आपको, कौन है वो, क्या परिचय? सैयद जावेद बारी उनका नाम है, वो मेरे अपने बड़े मामा के बेटे हैं, मेरे अपने ओन, ही इज माय ओन रिलेटिव। और वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करते हैं, बोरो डिपार्टमेंट एक ग्रुप डी में, एक सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद ये 420 के काम करते हैं। ये सब तो मैं उनका म्यूनसिपलिटी में जाके भी कंप्लेन करूंगी अभी, क्योंकि ऐसा ऐसा स्टाफ को रखता है जो अपने ही घर में अपने ही बहन भाई के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, तो क्या गारंटी नहीं है कि वो म्यूनसिपल में भी कोई फ्रॉड करके बड़ा बड़ा ऑफिसर को फंसा दे। इनसे तो बच के रहना चाहिए। तो एक नंबर का 420 है। और हम लोग के वहाँ एक विद्युत साहा नाम का इंसान है, उनके साथ भी इनका पावर वर का लिंक है, ये लोग पैसा लिए हैं और उन लोग को जमीन दे दी है, अब वो बेचारा पैरालाइज्ड होके बिस्तर में पड़ा हुआ है। और फिर ये लोग पूरा फैमिली करप्ट है, ये लोग उसका भी फायदा उठा रहे हैं, आप पता लगाइए। उनको एस्कोर्ट करने के लिए यहाँ पुलिस आया था, एक बहन यहाँ से लेके उसको लेके गया था, उनका अटेम्प्ट टू मर्डर का केस में और पेपर में भी इन लोग का नाम छपा है सबका। और इन लोग यहाँ से सब भाई बहन मिलके इन लोग को पुलिस आया एस्कोर्ट करके यहाँ पर पुलिस वैन में लेके गया सिलीगुड़ी वहाँ पूछताछ के लिए। वो जमीन बेच के विद्युत साहा को अब जब पैरालाइज्ड है तो ये फिर से वो जमीन किसी और को बेच रहे हैं। इन लोग का आदत है ये सब करना। ये कौन सा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करते हैं? ये कुल्टी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करते हैं, आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कुल्टी। क्या नाम है? मेरा नाम फरानाज। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताजा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।